हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के प्रेंदे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 24, MGT 503, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हमने MBO को पढ़ना है। MBO बेसिकली किसको कहते हैं? मैनेजमेंट का एम उठा लो, बी का बी, बाय का बी उठा लो, ऑब्जेक्टिव का हो, तो MBO बन गया। ठीक है, तो MBO इसको पक्के से रटा लगा लो, आगे हमने पढ़ते जाने। जब भी MBO की बात करेंगे तो मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली थी, तो आपको एक अच्छे और एक क्लेवर स्टूडेंट होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ना चालाकियां आनी चाहिए थोड़ी सी। इट्स मीन के वो चीजें करके जानी चाहिए जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो और नॉलेज के। तो टाइम एंड स्पैम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर पीछे आपने स्ट्रेटजिक गोल और टैक्टिकल गोल और ऑपरेशनल गोल्स पढ़े थे। ये कौन से गोल्स थे? सबसे पहले हमने एक गोल पढ़ा था जिसके अंदर हमें करते करते टाइम, यानी कि उस गोल को पूरा करते तकरीबन 3 से 5 साल लग जाए, इस तरह का गोल या इस तरह का जो प्लान होता है इसको स्ट्रेटेजिक गोल या प्लान कहते हैं। ठीक है, प्लान्स भी हमने पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक गोल भी पढ़े थे। गला खराब हो गया, तो हमने कुछ पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पे टैक्टिकल गोल जो थे उसके अंदर हमने कहा था कि ये तकरीबन जो टाइम 1 से 3 साल लेते हैं, इनको हमने टैक्टिकल गोल कहा। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ ऑपरेशनल गोल है या प्लान, ऑपरेशनल गोल या प्लान, बात ये तीन हमने पढ़े थे, और तीनों के साथ गोल भी पढ़ा था, प्लान भी पढ़ा था। ठीक है, तो जिसके अंदर हमें तकरीबन 1 साल से कम लग जाए या तकरीबन 1 हफ्ता लग जाए, ठीक है, ये वाले जो तीन एंड वाले पॉइंट हैं, ये देखिए आपने पीछे पढ़ा है, तो इसको हम ऑपरेशनल गोल कहते हैं। ये पीछे की स्टडी थी, अगर आपने पीछे पढ़ा तो छोड़ दो उसको। उसके बाद उस वो पूछ सकता है कि वेल डिजाइन गोल कौन सी। ये एक इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, जिसके अंदर वो पूछ सकता है कि वेल डिजाइन गोल कौन से हो सकते हैं। इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। कहता है कि रिटन इन द टर्म ऑफ द आउटकम, यानी कि ये इस टर्म में लिखे गए हैं कि इनका आउटकम क्या, यानी कि रिजल्ट क्या देंगे, यानी कि जब हम गोल को डिजाइन करते हैं तो वो हमें क्या आउटकम देंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिन गोल्स को हम डिजाइन कर रहे हैं उनको, मतलब किस टर्म में लिख रहे हैं कि वो हमें रिजल्ट क्या देंगे। तो इसलिए ये वाली लाइन थोड़ी सी समझने के लिए जरूरी थी। तो कौन से गोल डिजाइन करते वक्त हमें लिखने चाहिए, ऐसा गोल हमें अपनाना चाहिए जो कि मेजरेबल हो, और या फिर वो हमारे पास काउंटेबल हो, यानी कि उसने यहाँ पे लिखा है क्वांटिफाइएबल, तो यहाँ पे आप इसको काउंटेबल कह दें। मतलब कि क्यों? इसलिए कि जो हमने डिजाइन करना है गोल या हमने बनाना है, तो उसको हम पैमाइश भी कर सकें या उसकी मकदार को भी जज कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमें जो गोल बनाना है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए टाइम के लिहाज से, टाइम के फ्रेम के लिहाज से वो चीजों को क्लियर करे। दो बातें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद चैलेंजिंग बट अटेनेबल, ठीक है, वो चैलेंजिंग हो बट अटेनेबल, मतलब कि चैलेंज जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन उस गोल को बनाना, यानी कि गोल ऐसा हो कि उसके आगे चैलेंज इतना मर्जी बड़ा हो लेकिन हमें उस चैलेंज को क्रॉस करके उस गोल को हासिल कर लेना है। ये नहीं कि गोल चैलेंजिंग भी हो लेकिन वो बाद में हम उसको पूरा भी नहीं कर पाए। तो वो कहता है चैलेंजिंग हो बट अटेनेबल भी होना चाहिए, अगर वो अटेनेबल नहीं है तो ये गोल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये वेल डिजाइन गोल की बात करें। इनको थोड़ा यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ना मैं इनको डार्क कर देता हूँ और थोड़ा सा इनको कलर कर देता हूँ, ताकि आपकी जो नजर की रोशनी में इफेक्ट जो है अच्छा हो जाए। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पे उसने कहा कि ये रिटन डाउन, यानी कि गोल एक ऐसा होना चाहिए कि जो उसको हम बाद में रिटनेबल भी कर लें, उसको राइट कर सके। ठीक है, मतलब उसकी डिटेल लिख पाए। उसके बाद वो कहता है कि ये भी बस, यानी कि वो कम्युनिकेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर हैं, यानी कि ऐसा गोल होना चाहिए जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक गोल बनाते हैं तो उस गोल की वजह से जितने भी मेंबर्स हैं वो उस पर काम कर पाए, तो जब वो इकट्ठे काम कर पाएंगे तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऐसे गोल वो कहता है अच्छे होते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं वेल डिजाइन गोल। बात बहुत आसान थी, यही इस लेक्चर की जान थी। आगे छोटी छोटी चीजें हैं। स्टेप इन द गोल सेटिंग, 5 स्टेप उसने बता दिए। जब आप एक अच्छा गोल सेट करते हैं तो 5 स्टेप, पीछे भी आपने स्टेप पढ़े थे लेकिन फिर से कुछ 5 स्टेप्स हैं, तो आपने पीछे वाले आगे वाले जहां जहां पे स्टेप मिल जाए सारे इकट्ठे करके एक रट्टा लगाना पेपर में जाके, उसने कभी स्टेप का पूछ लिया पीछे वाले लिख दो आगे वाले लिख दो, बात आपकी वजन रखनी चाहिए, सब ठीक होता है। तो जो हमने जो स्टेप है, पहला स्टेप है कि ये रिव्यूज ऑर्गेनाइजेशन मिशन, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या अदारा है जिसका हम गोल लिख रहे हैं या हम जिसका गोल सेट कर रहे हैं उसका रिव्यू दे सके हमें, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद उसी पॉइंट के आगे उसने कहा कि ये जो गोल है शुड बी रिफ्लेक्टिव व्हाट द मिशन स्टेटमेंट सेज, ये इतना रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, इतना मौसर होना चाहिए कि ये हमें गोल से ही पता चल जाए
कि असल में मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है इसको लिखने का और इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको काम करने का, कि गोल आपका रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जिसका जो मिशन की स्टेट कर दे, जो बता दे कि हमारा मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गोल बनाता हूँ, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने का जो है, मैंने जो गोल सेट किया है कि मुझे सबसे पहले मेरा गोल ये है कि मुझे उसका जो SRS फाइंड करना है, SRS सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो मुझे SRS जो मेरा एक गोल है, तो मुझे उससे पता चल रहा है कि मेरा मकसद क्या है, कि मेरी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करना चाहता हूँ मैं अपनी सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसी तरह आपका गोल ये स्टेट कर दे, आपको बता दे कि असल में मकसद क्या, मिशन क्या है। अवैल्यूएट, दूसरा पॉइंट, अवैल्यूएट द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उनको अवैल्यूएट कर दे, दो पॉइंट। उसके बाद वो कहता है डिटरमाइन इंडिविजुअल और विद द इनपुट फ्रॉम द अदर गोल्स, वो कहता है कि इस बात को आप कहता है डिटरमाइन कर लें इंडिविजुअली, इसको फाइंड कर लें, या फिर वो कहता है कि इनपुट फ्रॉम द अदर गोल्स, जो दूसरे गोल्स हैं उनकी इनपुट्स जो है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है कि नहीं। मेरी जुबान थोड़ी स्लिपी हो गई है, मैंने कुछ खाया तो उस पर से थोड़ा अटक गया मेरा सीन, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि डिटरमाइन इंडिविजुअली और या विद, ये दो लफ्ज इकट्ठे हैं, और या विद इनपुट फ्रॉम द अदर गोल्स, यानी कि जो दूसरे गोल्स होते हैं, क्या आपका गोल जो है, आपका जो मकसद दूसरे गोल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है क्या, क्या उसके साथ ये थोड़ा मतलब उसके साथ थोड़ा मैचअप कर रहा है, उसके काम आ रहा है या वो आपके काम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं कि डिटरमाइन कर लें। ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये क्वेरीज लिखिए, इससे आपने खुद जज करना है इसका बात का मकसद क्या है। उसके बाद कहता है रिटन डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम टू ऑल हु नीड टू नो, यानी कि आप गोल को लिख लें और इस बात की यकीन दहानी कर लें कि ये किसको इसकी जरूरत है, किसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक स्टेप है। रिव्यू द रिजल्ट एंड वेदर द गोल आर बीइंग मेट, ठीक है, आप अपना जो गोल लिखे हैं अब उसका जो है रिव्यू ले, उसका जायजा ले कि कहाँ पे वो जो है मैच कर रहा है, कहाँ पे उसको जरूरत को पूरा कर रहा है, कहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद डेवलपिंग प्लान्स आप खुद पढ़ ले, बात थोड़े बच्चे ने 3 प्लान्स उसने बताए हैं, सबसे पहला ये है, नीचे भी 2 है तो उसको देखेंगे। सबसे पहला कि कहता है कि फैक्टर इन द प्लानिंग, कौन से फैक्टर है, उसने कुछ ए बताया, फिर बी बताया, फिर सी। मैंने ये बॉक्स अलग अलग इसलिए किए हैं कि ए बी सी और आपका ये जो ना इकट्ठा ही लिखा होता है तो उसके आगे भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, तो स्टूडेंट को ना कंफ्यूजन हो जाती है। मैनेजर्स लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमारा मैनेजर है उसका लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर का लेवल अच्छा है, टॉप है, डाउन है, मिड है, तो ये बहुत अफेक्ट करता है प्लानिंग के दरमियान में। तो आज लगता है उर्दू बहुत खराब हो रही है मेरी, तो दरमियान ऑपरेशनल प्लानिंग यूजली डोमिनेट द प्लानिंग एक्टिविटीज ऑफ द लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है, अगर आपकी प्लानिंग यूजली डोमिनेट कर जाती है वो उसको, यानी कि बदतर हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसकी प्लानिंग की एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल का जो मैनेजर है उसकी वजह से उसको डोमिनेट कर दिया जाता है। मैनेजर थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो कहता है एज द मैनेजर मूव अप थ्रू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बिकम मोर स्ट्रेटेजिक, जैसे जैसे कहता है, ये लाइन पढ़ो, जैसे जैसे कहता है कि वो आपका मैनेजर का लेवल ऊपर जाता जाता है, पोस्ट अच्छी होती जाती है, तो उसके प्लान जो होते हैं वो थोड़े मोर स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा, ये प्लानिंग का फैक्टर था, पहला फैक्टर हमने कवर किया। दूसरा फैक्टर डिग्री ऑफ द एनवायरमेंट, ये डिग्री ये है, उसकी डिग्री इंपॉर्टेंट करती है, ये भी आप पढ़ लो खुद। तीसरा जो है लेंथ ऑफ द फ्यूचर कमिटमेंट, ये भी आप पढ़ लो खुद, ठीक है, मैंने सिर्फ बता दिया है, अब आप कर लो। अब उसके बाद वो कहते हैं एस्टैब्लिशिंग गोल, गोल को एस्टैब्लिश करने के अंदर, यानी कहता है ये भी लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लिए। गोल कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग थ्रू द मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लाइन से काफी चीजें समझ आ रही है। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, एक हमारे पास ट्रेडिशनल है, उसके बाद हमारे पास गोल की जो सेटिंग है पोटेंशियल बिट फेल्स हो जाते हैं, उसमें कुछ खामियां, ये वन बाय वन। तो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है वो कहता है प्रोसेस है ये, वेयर बाय द गोल्स आर द सेट टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन डाउन इनटू सेट, यानी कि क्या प्लान जो है उसको एस्टैब्लिश करते वक्त ट्रेडिशनल गोल जो है उसको सेट कर लो। ट्रेडिशनल मतलब कौन सा गोल हो सकता है, ऐसा गोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे टॉप का प्लान होना चाहिए, यानी कि जो आपका गोल है, जो प्लान है, ये सबसे बड़ा प्लान होना चाहिए, ठीक है।
और सेट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप का या हाईली होना चाहिए, और फिर जो है इसको ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है सब गोल में, और बाकी सारे गोल जो है इसके नीचे आते हैं और वो इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि शादी है, शादी भी हमारी होगी कभी इंशाल्लाह, तो जब हमारी शादी होगी, मैं अपनी शादी की एग्जांपल देता हूँ, तो मतलब मेरी एक शादी एक बड़ा गोल है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे गोल्स क्या है, बारात लेके जानी है, और हाँ यकीन लेके जाएंगे, फिर वलीमा करना है, फिर वो जो होती है हाथों पे लगाने वाली वो करनी है, मेहंदी, ये तीन गोल हो गए। बड़ा गोल क्या था, शादी, उसके अंदर तीन गोल हो गए, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल रवायती गोल था ना, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर उसके अंदर आपने जो है उसके बाद छोटे छोटे जो फिर डिशेज ये वगैरह वगैरह सारी चीज इसके नीचे नीचे ये सारे डिवाइड करता जा रहा हूँ मैं शादी के अंदर, देखो कितने, फिर बीवी आ जानी है, फिर ओके, तो ये सारे ट्रेडिशनल के नीचे है, ये सारा पढ़े मजे का है। तो आई होप कि आप मेरी इस एग्जाम्पल को मजाक नहीं समझेंगे, ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी। तो उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि गोल सेट करते वक्त सम पोटेंशियल पिटफॉल्स, यानी कि कुछ नाकामियां हो जाती हैं हमें, पिटफॉल्स जो है वो हमारे पास कुछ नाकामियां, या हमारे पास कुछ कह सकते हैं कि खामियां कह सकते हैं। तो सेटिंग डिफिकल्ट गोल इंक्रीज द रिस्क, जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसमें हो सकता है कि इसके अंदर वो कहता है कि सेटिंग डिफिकल्ट गोल, मुश्किल गोल को सेट करने से इंक्रीज क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम अटेन नहीं कर सकते। ऐसा गोल सेट कर लेना जो कि मुश्किल था, उसकी वजह से रिस्क बढ़ गया, हम उसको हासिल भी नहीं कर पाए, खर्चा खुर्चा भी हमारा लग गया, यानी कि मैंने कह दिया कि मैंने बिल गेट्स की बीवी से नहीं, सॉरी, उसकी किसी रिश्तेदार से शादी करनी है, तो ये एक बड़ा गोल है, मुश्किल गोल है ना, इसको सेट करने के चक्कर में मेरा सारा खर्चा भी चला जाएगा और बीवी फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंजॉयिंग स्टडी कर रहे हैं आज। तो उसके बाद वो कहता है दूसरे नंबर पे, ये एक पहला जो है पिटफॉल था कि एक नुकसान। उसके बाद कहता है हाई गोल मे इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो एक बहुत तगड़ा गोल है। तो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं एक बड़ी जगह पे शादी करने की ट्राई मारूंगा तो वहां पे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, सारी फैमिली को भी डील करेंगे साथ में। तो इसलिए कहता है कि अगर आपका गोल बड़ा है तो आप उसको हासिल करने के चक्कर में स्ट्रेस लेवल, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं मेंबर, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। ये दूसरा पिटफॉल था। उसके बाद फेलियर टू मीट द हाई गोल्स मे अंडरमाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। देखो, अगर आप एक ऐसा गोल सेट कर लेते हो जो कि बार बार फेल हो रहा है, या वो उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो इससे क्या होगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का, बार बार नाकामियों का सामना कर करके वो थक जाते हैं, फिर उनका अपना एतमाद खत्म हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये याद कर लें, पेपर में कहीं भी कुछ भी पूछ ले बस ठोक देना आपने ये वाला पहरा। नॉन गोल एरियाज में भी इग्नोर, यानी कि जो नॉन गोल एरियाज हैं इलाके, वो हो सकता है इग्नोर हो जाए इसकी वजह से, डिफिकल्टी की वजह से। सेटिंग गोल में भी इनकर द एक्सेसिव शॉर्ट रेंज थिंकिंग, हो सकता है कि बड़े बड़े गोल जो है मुश्किल गोल सेट करते करते आपकी जो थिंकिंग है वो शॉर्ट रेंज रह जाए। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे लीड टू डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग, अगर आपके गोल ऐसे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बेईमानी, डिसऑनेस्टी, गला खराब हो गया, डिसऑनेस्टी बढ़ सकती है, चीटिंग हो सकती है ज्यादा, तो ये चीजें ज्यादा कहता है हो सकती है कि या तो फिर अदारे के लोगों में या अदारे में डिसऑनेस्टी हो जाएगी या फिर चीटिंग बढ़ जाएगी। तो ये भी एक पिटफॉल है जो कि गोल को सेट करते हुए हो सकता है, इसका भी ख्याल, वो पूछ सकता है कि ये वाली बात बताओ। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये चीज हमें अच्छे से नजर आए यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आपको हैंडआउट्स भी ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं, जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हमने एक ग्रुप दिया हुआ है MGT का, उसमें आप जाएं और उसके अंदर आपको ये ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ज्वाइन करें, और वहां पे मैंने ये फाइल सेंड कर दी है, आप वहां पे जाके इस फाइल को रीड कर सकते हैं, और अगर बाद में कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे तो उसको सेंड भी कर दें, ठीक है। उसके बाद कहता है मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, MBO इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच स्पेसिफिक गोल आर द सेट, जिसकी मदद से, ये MBO की बात कर रहा है, जिसकी मदद से हम कुछ खास गोल सेट कर लेते हैं, उनको कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, और होल एवरी यूनिट वगैरह वगैरह छोड़ो इसको। द गोल देन आर यूज द बेसिक पार्ट प्लानिंग, यानी कि जो MBO है
इसकी वजह से हम कुछ खास गोल सेट करते हैं, फिर उन गोल को यूज करते हैं। गोल देन आर यूज फॉर बेसिक प्लानिंग के लिए हम उनको यूज करते हैं, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ये सारा, ये इतना सा पढ़ो, ये मजे का है, ठीक है, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। उसके बाद इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल आर जॉइंटली डिटरमाइंड, यानी कि उनको इकट्ठा ही हमने फाइंड कर लेना होता है बाय एम्प्लॉइज और उसके मैनेजर। किसी भी इदारे के अंदर हमारे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल हैं उनको हम जॉइंटली डिटरमाइन कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। किसकी मदद से करते हैं? एम्प्लॉय की मदद से या फिर उसके मैनेजर्स की मदद से, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रोग्रेस टूवर्ड द अनकम्प्लीशिंग दीज गोल्स प्रोडक्टली रिव्यू, ठीक है, बस इतना काफी है। उसके बाद MBO वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द पीटर ड्रकर एंड कंसिस्टेंट ऑफ द फोर एलिमेंट, कहा कि इस बंदे ने, पीटर तो मेरे ख्याल से शायद हम किसी शख्स के नाम को गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने किसी मूवी में किसी इंग्लिश मूवी में पीटर शायद कुत्ते का नाम था, पीटर एक लड़के का भी नाम था, वो जो मूवी थी हमारी वो स्पाइडरमैन, उसमें पीटर पार्कर भी था हीरो। तो पीटर पार्कर ने, पीटर डरकर ने, ड्रकर ने ये जो MBO निकाला था ये इसका था। तो ये इंपॉर्टेंट क्विज है, एक इसको रगड़ा लगा दो। तो उसने साथ में कुछ चार एलिमेंट भी दिए थे, कौन से, ये वाले। पहला गोल उसने हमें क्या दिया, उसने हमें बताया कि जो गोल है वो स्पेसिफिसिटी देता है, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, टाइम पीरियड को एक्सप्लिसिट कर देता हो, परफॉर्मेंस की फीडबैक देता हो। तो ये चार जो हैं ये इसके हैं साथ में। तो लगते हाथों पता नहीं आज जुबान को क्या मसला है, लगते हाथों इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ये आसान रहे अपने अलग अलग पॉइंट्स को समझना, और थोड़ा सा यहाँ हम जो है ना ऐसे कर देते हैं ताकि ये एक अलग से या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन फील हो। बाकी आगे मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इनको देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द MBO आर दैट इट, भाई इतनी लंबी वीडियो नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल में ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर ये कुछ MGT को पढ़ा और थोड़ा मुझे इंटरेस्टेड है, कुछ मेरे बहुत चाहने वाले मेरे बड़े प्यारे से फैन कह सकते हैं, तो उनकी मोहब्बत में मैं ये लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। तो क्या आपको ये अच्छे लग रहे हैं लेक्चर? अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक कर दें, एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी में जहाँ पे बैठा लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे ये मत समझे कि हमें कुछ पैसा कमाना है तो हम लेक्चर बना रहे हैं। वल्ला आलम, मैंने अभी तक कोई चैनल से पैसा बाहर नहीं निकाला, काफी सारे डॉलर जमा हो रखे हैं, लेकिन हमने पैसों के लिए नहीं किया था, तो सिर्फ प्यार के लिए किया था। तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दें कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और आप कुछ अच्छा सा लाइक कर दिया करें, दोस्तों से शेयर कर दिया, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, मुझे पैसों शैसों का कोई नहीं, वो मेरे क्लासेस पर आगे भी ले लेता हूँ। तो स्ट्रेंथ ऑफ द MBO, जो MBO है जो हमारे पास मैनेजमेंट बाय द जो है ऑब्जेक्टिव, इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से मतलब है कि इसकी खसूसियात क्या है, ताकत नहीं, खसूसियात क्या होती है, किस क्या इसकी क्वालिटीज है, ये क्या क्या फायदे देता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, वो जो होता है शेप कर देते हैं इसको, थोड़ा सा खूबसूरत सी एक शेप लगा देते हैं ताकि ये इम्पोर्टेंट बन जाए हमारे लिए और हम इसको जो है इम्पोर्टेंट समझ के तैयार कर पाए। चलो कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि हमें ये एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन लगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि इसकी क्वालिटीज या MBO की या इसकी स्ट्रेंथ क्या है। एड्स बेसिकली एक बीमारी भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बीमारी नहीं है, हेल्प को भी एड्स कहते हैं, मैंने साथ में लिख दिया कि कुछ कंफ्यूजन है। तो एड्स करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द गोल्स एंड प्लान, जो हमारे पास कुछ प्लान्स या गोल्स है ना उनकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कौन, MBO, ठीक है। उसके बाद हेल्प करता है क्लैरिफाइंग द प्रायोरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, हमारी कुछ जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं तौलकात या कुछ हमारी प्रायोरिटीज होती हैं उनको ये क्लैरिफाई करता है, कौन, MBO, ये इसकी खासियत है। उसके बाद कहता है फैसिलिएट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसको ये फैसिलिएट करता है, ये भी एक अच्छा है, इसका पॉइंट है, चार खासियत। कहता है कि एम्प्लॉयज मोटिवेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है, फोस्टर्स करता है ये, ठीक है। तो ये इसके चार स्ट्रेंथ हैं या क्वालिटीज ये हैं, करैक्टरिस्टिक आप सारे लफ्ज कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है वीकनेस ऑफ द MBO, कुछ इसके बैड पॉइंट्स भी होते हैं, हर चीज के अच्छे या बुरे पॉइंट हैं, अगर कोई शख्स अच्छा है तो उसके कुछ बुरे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, मैं भी बहुत गलत इंसान हूँ, गुनहगार शख्स हूँ,
तो बस सब में अच्छी और बुरी चीजें भी होती हैं, तो इन चीजों का खास ख्याल रखा करें। तो ये दूसरा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वीकनेस ऑफ देम यू आर दैट इट टेंड टू फाल्टर विदाउट स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअल कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ये एक पहला इसका। नेसेसिटीज कंसीडरेबल ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर, यानी कि देखो ये क्या करता है कि ये नेसेसिटीज जरूरी है इसके लिए कि जो आपके मैनेजर हैं उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, ठीक है। तो अगर एमबीओ के अगर आप प्रोजेक्ट में हैं तो ये एक एक बुरा पॉइंट है दोबारा से उनको ट्रेनिंग देना। अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं देते अपने मैनेजर्स को तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का प्लान तबाह हो जाएगा, ये एक बुरा पॉइंट है। तो ये वीकनेस कह सकते हैं, कैन बी मिस यूज एज द, देखें यहाँ पे एक डिवाइस के तौर पर उसने कहा कि पंचिंग डिवाइस के तौर पे उसने इसकी एग्जांपल दी है, कहता है कि जैसे एक आला है, जैसे मोबाइल है, आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आई मीन के अक्सर व्हाट्सएप और इधर उधर फनी चीजों में। तो कैसा कहता है कि जैसे आप एक पॉन्चिव डिवाइस, एक आला, जैसे आप उसका मिस यूज करते हैं, इसी तरह कहता है कि आप एमबीओ का भी कहता है अक्सर मिस यूज करते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान होते हैं, ठीक है, इसका मिस यूज किया जा सकता है, तो ये भी एक बैड पॉइंट है। मे बी कॉजेस, यहाँ पे कहता है कि जो क्वांटिटेटिव गोल्स होते हैं उन पे कहता है ओवरकम आ जाते हैं या ओवर एम्फसिस हम कर सकते हैं, ये भी एक बैड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ एमबीओ इज द, यानी कि जो एमबीओ है उसकी जो स्पिरिट है, यानी कि यहाँ पे रूह कह दें या उसकी जो बेस है वो कह दो, कि स्पिरिट ऑफ द एमबीओ इज द ट्रमेंडियस, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो एमबीओ की उसने कहा कि उसकी जो रूह है या उसकी जो बेस है बहुत ज्यादा ये ट्रमेंडियस है, बहुत ज्यादा अहमियत। अच्छा थोड़ी सी इंग्लिश जो है ना वो चीजें इंग्लिश में समझ आती है, मुझे ना थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते, अक्सर मेरी उर्दू काफी खराब है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा पा कि मेरी थोड़ी हिंदी बेहतर होती जा रही है और उर्दू मेरी काफी अच्छी है, लेकिन अक्सर चीजें मेरी ना वो स्लिपी स्लिपी हो जाते हैं। कहते हैं एमबीयू हैज बी सक्सेसफुल ओनली अबाउट 20 to 80%, यानी कि 20 से टाइम आफ्टर टाइम के लिहाज से कहता है कि सिर्फ 20 या 25% कहता है कि ये टाइम के लिहाज से ये सक्सेसफुल रही, कौन एमबीयू, तो क्यों रही। पहले में बिकॉज ऑफ लेक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एंड पुअर गोल सेटिंग कम्युनिकेशन स्किल, इस वजह से ये थोड़ी सी जो है 20 या 25% जो है सक्सेसफुल रह सकी, रीजन साथ में उसने बता दी, ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप सो दैट कि आपको लेक्चर नंबर 24 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें क्या करना है रिपीट कर देते हैं, आपने ये करना है अच्छे से, ये करना है अच्छे से, उसके बाद नीचे क्विज भी देख लेना, फिर ये वाला भी देख लेना अच्छे से, ठीक है, ये वाला लाजमी तौर पर अच्छे से देखना। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ साथ में, ताकि बल्कि इसको नहीं करते हम, नीचे वाला कुछ कॉपी कर लेते हैं और हम इसको जो है यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, ये कॉपी करने का भी जो है ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेना आपने। उसके बाद ये बस ये थोड़े से पॉइंट देख लेना और लेक्चर नंबर जो है ये स्टेप अच्छे से कर लेने हैं आपने, ठीक है, और ये भी अच्छे से थोड़ा कर लेना, ये स्टेप अच्छे से करने हैं और ये पहले पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं, ये लेक्चर नंबर 24 कवर है। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार, अच्छा सा कमेंट और एक खूबसूरत सा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप बहुत ज्यादा गंदे हैं। तो मुझे उम्मीद है अच्छे होके जाएंगे आप। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।